तालिब इल्म कत्ल केस में एक नया मोड़ सामने आ गया। मशाल समेत तीन तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी से मौतल करने का नोटिफिकेशन भी सामने आया है। नोटिफिकेशन पर कत्ल के दिन की तारीख लिखी है। यूनिवर्सिटी मशाल खान के कत्ल के बाद आज भी बंद है। पुलिस की इजाफी नफरी जामिया में तैनात है। किसी को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस ने वाकये की 2 FIR दर्ज कर ली हैं। नामजद 20 में से 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नोटिफिकेशन सामने आने के बाद तहकीकात में कुछ नए सवाल पैदा हो गए हैं। ये कि जब तहकीकात अभी होना बाकी थी तो तालिब इल्मों को मुअत्तल पहले क्यों किया गया? क्या यही वो नोटिफिकेशन तो नहीं जो तालिब इल्मों में इश्तियाल का सबब बना था? ये कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास वो कौन से सबूत थे जिनकी बुनियाद पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया गया था? क्या मुनासिब ना होता कि नोटिफिकेशन में तौहीन मजहब के इल्जाम का जिक्र ना किया जाता?